मिस्टर, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, और एक आर्मी ऑफिसर की हेल्प लेने से तो अच्छा है वो मुझे छेड़ देते। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है आर्मी ऑफिसर से? हाँ है तुमसे मतलब। फिर भी क्या प्रॉब्लम है? देखो तुम्हें मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं, थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई, जाओ अपनी ड्यूटी करो, और वैसे भी तुम आर्मी वालों के लिए अपनी ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, अब जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारी खुद की भी कोई औकात है कि जो सरकार बोलती है उसको तो तुम फॉलो करते रहते हो? तुम्हारी खुद की भी कोई लाइफ है? तुम तो वहाँ वीरानों में पड़े रहते हो, यहाँ पे तुम्हारी फैमिली रोती रहती है, देश के नाम पे बस मर जाओ। मुझे ऐसे आदमी से बात ही नहीं करनी जिसकी कोई औकात ना हो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें आर्मी ऑफिसर से इतनी नफरत क्यों है, बट आई प्रोमिस एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा कि एक आर्मी ऑफिसर की क्या औकात होती है, और एक आर्मी ऑफिसर हर देश के लिए क्यों जरूरी है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना, तुम खुद मुझे सैल्यूट करोगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बड़े सपने देख रहे हो? ये मेरा स्टाइल है। क्या जरूरत थी पापा आपको आर्मी ज्वाइन करने की? आज आप आर्मी ऑफिसर नहीं होते तो आप जिंदा होते, मेरे साथ होते। अपनी बेटी से पहले आपने देश को चुना, नौकरी की वजह से आप अपनी बेटी को भूल गए। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। कल वाला लड़कियों का स्टॉक चला गया? हाँ भाई, कल के स्टॉक के सारी लड़कियां निकल चुकी है, एक बार इस लड़की को देखना। अरे मुझे क्या देखना है, लड़की तो है ये, कोई बाकी लड़कियों की तरह मामूली लड़की नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसमें? ये आपके दुश्मन कर्नल शेरावत की बेटी है जिसने आपके भाई को मारा था। अच्छा अच्छा, फिर तो ये खास है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए, ये जहां कहीं भी हो इसे उठवा लो। जी भाई। अबे यार, तुम हर टाइम गिरती पड़ती क्यों रहती हो? और तुम हर बार मुझसे टकराते क्यों रहते हो? मैं टकराता हूँ, तुम टकराती हो। बस अब यही काम तो बच गया मेरे पास कि मैं तुमसे टकराती रहूं। अब ये फालतू की बातें छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने अभी तक ट्रीट नहीं दिया, कंजूस लड़की। तो ऐसे ट्रीट कौन मांगता है यार? ये मेरा स्टाइल है। मैं कंजूस लड़की? तुम्हें मैं कंजूस लगती हूँ? मैं जब खर्चे करने पे आती हूँ ना तो पता नहीं कितना खर्च कर देती हूँ, तुम्हें ट्रीट चाहिए ना, चलो मेरे साथ। सुनो, वैसे यहाँ ट्रेड पर आना तो मेरा बहाना था, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। आई लव यू। तुम पागल हो क्या? तुमने सब कुछ डायरेक्टली बोल दिया। ये मेरा स्टाइल है, मैं फौजी हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, मुझे तुम पसंद हो इसलिए डायरेक्टली बता दिया, अगर तुम्हारी जगह और कोई होती तो उसे भी डायरेक्टली बता देता। बंदूक छोड़, छोड़ बंदूक, बैठ यहाँ पे। कौन हो तुम लोग और कहाँ लेकर गए उसे? मुझे नहीं पता। अब कुछ याद आया या फिर तीन चार और मारूं? नहीं बताता, बताता हूँ लेकिन बताकर भी कोई फायदा नहीं, वो वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, वो लोग बहुत खतरनाक है। वो लोग लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं, लेकिन ये लोग इस लड़की को सुनहरी पहाड़ियों के पीछे वाले जंगल में सुनसान खंडर में लेकर गए हैं, जहाँ अस्पाक अपने भाई की मौत का बदला लेगा, क्योंकि इस लड़की के बाप ने जिसे मारा था वो अस्पाक का भाई ही था। अब इस लड़की का बचना नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा जंगल अस्पाक के आदमियों से भरा हुआ है, अब ये लड़की नहीं बच सकती, तुम इसे भूल जाओ। अगर मेरी बात होती तो मैं भूल भी जाता, लेकिन ये मेरे देश के नागरिक की बात है। तुम लोगों की टाइमिंग तो अच्छी है, लेकिन तुमने लड़की गलत चुन ली, आज शाम होने से पहले वो लड़की मेरे पास होगी, ये वादा है एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का।
क्यों तू मुझे यहाँ बचाने आए? ये लोग बहुत खतरनाक है। आज मुझे समझ में आया कि हर देश में फौजी कितने जरूरी, क्योंकि अगर फौजी नहीं होंगे तो आम जनता को देश के दुश्मनों से कौन बचाएगा? सच बताऊं तो असली औकात सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर की ही होती है, जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं। एक दो लोगों की ना सोचकर सबकी सोचते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ।